चुके हैं लाल घाटी और अभी हम जा रहे हैं गुफा मंदिर, वहाँ से चलना है पैदल। वो जो बोर्ड दिख रहा है साधु का, बस यही तो है। ये है गुफा मंदिर, मानस उद्यान उधर है और ये है अपना गुफा मंदिर। कुछ होने वाला है क्या इधर? ये सब क्यों लगा के रखे हैं इन लोगों ने? ये देखो यहाँ पर खेती भी करके रखी है। ये इधर है क्या आम के पेड़ अंदर? इधर शादी है यार। और ये पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों। और ये है राम जी की मूर्ति, लेकिन इस पे कपड़ा ढक के रखा है। और ये है गुफा मंदिर, कितने का दिया भैया? 40 का, 30 का, 30 वाला देता हूँ। कितना जाए? ये है गुफा मंदिर, फूलों की टोकरी, श्रद्धालु लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं दर्शन करके। ये साधु जो यहाँ पे रहते हैं उनका, ये देखिए ये राम जी का है, ठीक है, नमः शिवाय। ये देखो अद्भुत, देखो ये पूछते हैं रात्रि में रात्रि में हुआ। मैंने पता पिछली बार यहीं आके चढ़ा था अंदर, अंदर जाके खेल था, अंदर अंदर जाकर मैंने नारियल चढ़ाया था पिछली बार। फिर ये जा रहे हैं ना ऐसे, ये जो, हाँ ये जो गुफा मंदिर है ना, ये उधर, ये जो पूरी गुफा उधर निकल जो मंदिर है ना अंदर वाला, वहाँ पर मेन मंदिर कौन सा? मेन मंदिर वो अंदर वाला है। रात्रि में प्रवेश न करेगी कहाँ पर? तो साफ वगैरह हो सकते हैं ना इसमें, शिवलिंग है यार। ये देखिए ऊपर नंदी है ना, कितना अच्छा लगता है। चले अपने अंदर चलते इस बार, ठीक है। ये विष्णु जी का, देख वो आगे, देख आगे तक गुफा पूरी जा रही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। इधर है ना, अंदर चलते हैं, पहले चढ़ा देते हैं फिर घूमेंगे, ठीक है। अंदर तक गुफा है, जय श्री राम। ये रे कृष्णा जी बाल गोपाल, ये साधु महात्मा, ये पूरा आसपास कितना अच्छा दिख रहा है यार ये सही में। ये वो, ये है हनुमान जी, वाओ वाओ। है ना हनुमान टेकरी है ये पूरी गुफा है यार। पता है अब देख इस गुफा में, यहाँ पर जो कमरा है कितना ठंडा होता होगा, ये क्या अच्छी लाइफ। देख ये देख, यहाँ देख ये गणेश जी बने हैं, राधा कृष्ण, पूरा पत्थरों में तराशा है यार। बाकी लोगों ने ये सब भी लिख के रखा है। ये यहाँ पानी भरा है क्या अंदर?
ऊपर घर है यार, लिटरली देख ऊपर घर भी है, कितनी अच्छी जगह पे घर है। बस मुझे ना ऐसी जगह पे घर चाहिए, ऐसा मेरा प्यारा सा घर हो, ऐसा इतने ऐसे पहाड़ हो, ऐसा घर हो मेरा प्यारा सा। इतनी अच्छी लोकेशन है, एकदम पहाड़ पे और पूरा सीन दिखता है। ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ चले क्या? ये देख, ये देख, मतलब अपन लोग पहाड़ पे है यार, देख सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, वाओ सही दिख रहा है। बस अब इस कैमरे में नहीं आ रहा अच्छे से, वो लग ही नहीं रहा था ना कि वो सन है। हाँ, ऐसा लग रहा है वो कुछ मस्जिद वैसा रहता है, वो है रेड कलर का हनुमान टेकरी। मुझे बहुत प्यारी लगती है यार ये जगह, बहुत अच्छी लगती है मुझे। हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, पानी है यहाँ पर, ठीक है। मेरा जींस हो गया, वाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ना, बहुत ठंडा है। आपको कम झुकना पड़ेगा लेकिन। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से नीचे। अपने शूज तो वही है ना, पता है ना अपने को, जा रखे थे यहीं से निकलेंगे ना वैसे तो। ये यहाँ पर वॉशरूम्स है, कोई नहीं अपने को इधर से जाना है नीचे। जो मैं बता रही थी ना आपको कि मूर्ति पर ये कपड़ा क्यों ढका है रेड रेड, वो इसलिए ढका है क्योंकि परशुराम जयंती के दिन ये कपड़ा हट जाएगा मूर्ति से। ऐसा ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर, ये परशुराम जयंती के दिन हटाया जाएगा। ओके, मतलब ये परशुराम जी की मूर्ति है। आपसे हमने शॉपिंग करी है और शॉपिंग में काला धागा लिया है। उस शॉप से मैंने लिया है शिवलिंग जो आपने देख। और यहाँ है पानी पूरी वाला, मन तो बहुत कर रहा था लेकिन अब नहीं खाते। इधर हो रही है शादी की तैयारी यार, ये कुछ अलग ही है। पंचवटी उद्यान मानस भवन, मानस भवन ये है और पंचवटी उद्यान वो है, उधर है मैरिज गार्डन, इधर है मंदिर। नाइस। और ये है बाहर जाने का रास्ता, घोड़ा। ओके, तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल।